प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाकर जब से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है तब से वो पार्टी के वर्चस्व को बढ़ाने में लगी हैं। हालांकि वो लोकसभा चुनाव में कोई करिश्मा नहीं कर पाई, लेकिन मिशन 2022 के लिए उन्होंने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। सबसे पहले उन्होंने योगी सरकार को टक्कर देने के लिए अपनी फौज तैयार की है और अब उसे ऐसा संदेश दिया है जो सीएम योगी के माथे पर शिकन लाएगा। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही है, जिसके चलते न तो पार्टी के पास जनाधार बचा है और न ही जमीन पर संगठन। सूबे में पार्टी की हालत बेहद खराब है, इसलिए महासचिव प्रियंका गांधी उसमें लगातार जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में प्रियंका ने कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए महाप्लान बनाया है, जिसके तहत वो यूपी संगठन में बड़े दिग्गज नेताओं को छोड़कर ऐसे लोगों को तवज्जो दे रही हैं जो युवा होने के साथ साथ जमीन से जुड़े हों और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की ताकत रखते हों। प्रियंका गांधी ने इसलिए उनकी ना तो उनकी जात देखी और ना ही धर्म, ना ही राजनीतिक बैकग्राउंड देखा और ना ही उनकी विचारधारा को अहमियत दी। पार्टी ने सिर्फ विश्वास पात्र और जमीन से जुड़े नेताओं को अपनी टीम में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की कमान अजय कुमार लल्लू, शहनवाज आलम, विश्व विजय सिंह, अनिल यादव, मनोज यादव, मोहित पांडे, विवेकानंद पांडे, शिव नारायण परिहर, बद्रुद्दीन कुरैशी, हरे राम मिश्रा, ये वो 11 दिग्गज हैं जो मिशन यूपी को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि प्रियंका की ये फौज मैदान में उतर चुकी है और योगी सरकार की घेराबंदी कर रही है। अपने इन्हीं दिग्गजों को अब कांग्रेस महासचिव ने नया संदेश दिया है। प्रियंका का ये कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर अब हमें काम करना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के भले के लिए कोई काम नहीं कर रही। ऐसे समय में कांग्रेस नेताओं को जनता से जुड़ना होगा। प्रियंका का ये संदेश योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पहले भी प्रियंका की फौज ने बीजेपी को हिला कर रख दिया था। किसानों से जुड़े मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, इसके समेत कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। वहीं विधानसभा में विपक्षी पार्टी का हल्ला बोल भी जारी है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सपा बसपा के आगे बढ़ते हुए कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है। अगर ये जोश यूं ही जारी रहा तो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रियंका का कमाल क्या कमल को मुरझा पाता है या नहीं। जीबी लाइव रिपोर्ट।